हाय एवरीवन, आज की हमारी रेसिपी है एक इजी सा चॉकलेट केक जो कि बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपको केक नहीं भी बनाना आता तो इसके सारे स्टेप्स देख के आप उसको फॉलो करें, बहुत ही अच्छा सा एक स्पॉन्जी चॉकलेट केक तैयार हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। हमारे केक के इन्ग्रीडियंट्स हैं जिसमें हमने 300 ग्राम्स मैदा ली हुई है, 400 ग्राम हमने शुगर ली है जिसको अभी हमें पीसना है, 2 हमने अंडे लिए हैं, 125 ग्राम अनसॉल्टेड बटर लिया हुआ है, 3 टेबलस्पून कोको पाउडर लिया है, 125 ml रिफाइंड ऑयल लिया है हमने, 150 ml दही कर्ड ली है हमने, 250 ml पानी लिया है, उसके बाद हमने 1 पिंच सॉल्ट लिया हुआ है और हमने इसके साथ ही 1 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया हुआ है, खाने वाला जो सोडा होता है। इन सभी इंग्रेडिएंट से हम मिलकर बनाएंगे अपना चॉकलेट केक। इसके साथ में हमने 2 टेबलस्पून वेनिला एसेंस लिया है। अब हम अपनी जो शुगर है उसको ग्राइंड करके हम कैस्टर शुगर बनाएंगे। शुगर को मिक्सी के बोल में डालकर उसको ग्राइंड ब्लेंड करिए और वो जब पेस्ट जाएगी तो हम उसको देखेंगे, ये फाइन शुगर हो गई है। ऐसे ही सारी शुगर हमें पीस लेनी है और हम केक में उस पिसी हुई शुगर को यूज़ करेंगे। फिर हम ये एक पैन गरम कर लेंगे जिसमें हमने अपना अनसॉल्टेड बटर डाला है, उसके साथ ही हम रिफाइंड ऑयल कर लेंगे। गैस को धीमा ही रखें, हमें इसको सिर्फ गरम करना है। उसके बाद हम इसमें पानी भी डाल देंगे और जो हमारा कोको पाउडर है उसको हम डाल देंगे। ये चारों चीज़ें हमें पैन में मिलाकर हल्का हल्का गुनगुना गरम करना है जिससे ये बटर इसमें मेल्ट हो जाए। अब हम इसको धीमे धीमे चलाते रहेंगे, मिक्सर को सिम गैस पे ही धीमे धीमे चलाते रहिए जिससे लम्स फॉर्म ना हो। सिम पे रखकर उसको हल्का सा मीडियम पे भी कर दीजिए जिससे थोड़ा सा गर्म हो जाए और ये हमारा बटर जो है जल्दी मेल्ट हो जाए। और जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आप फिर से सिम पे कर दीजिए और चलाते रहिए। हमें सिर्फ इस बटर को इस लिक्विड में मेल्ट करना है जिससे ये एक स्मूथ लिक्विड बन जाए। अभी भी थोड़ा हमारा बटर रह गया है, इसको हम मेल्ट करते रहेंगे। गैस को सिम पे ही रहने दें, बिल्कुल वार्म करके इसको मेल्ट करना है, बॉयल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हल्का हल्का वार्म में हम बटर को मेल्ट करते रहेंगे। अब ये हमारा बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है और ये एक स्मूथ सा लिक्विड बन गया है। गैस को बंद कर देंगे और इस स्मूथ से लिक्विड को हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। एक बोल में हम अब मैदा डालेंगे, उसके बाद जो हमने चीनी पीस के रखी हुई है कैस्टर शुगर उसको भी इस मैदे के साथ हम मिक्स करेंगे। इस बोल में हमारे जो बचे हुए ड्राई इन्ग्रीडियंट्स हैं उनको हमें मिक्स करना है। तो हमने पहले मैदा मिक्स करी, उसके बाद ये हमारी शुगर है इसको भी पूरा डाल लीजिए अच्छे से स्क्रेप करके। हमने ये जो 1 पिंच सॉल्ट लिया था और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है उसको भी इसमें डाल दीजिए और 1 स्पून से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये दोनों एग्स को अब हम इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर रहे हैं 1 से 2 मिनट्स तक जिससे ये फ्लफी हो जाए। आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, 3 से 4 मिनट तक इसको बीट करिए जिससे इसमें ऊपर से छाक आ जाए और ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इसको भी हमें केक में यूज़ करना है। ये हमारे एग्स बीट हो गए हैं, फ्लफी से हो गए हैं थोड़े, इसको भी हम अभी अपने केक में यूज़ करेंगे। उसके बाद ये हमारी चारों चीज़ें जो हैं, हमारा लिक्विड और हमारा ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमने लिए हैं, कर्ड और ये अंडे, इन चारों को हम मिक्स करके बैटर बनाएंगे। तो जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें ये सारा लिक्विड आप पोर कर दीजिए। आप थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं, एक साथ भी डाल सकते हैं और इसको धीमे धीमे स्पून से हम मिक्स करते रहेंगे। मैदा इसमें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। ये सारा ड्राई जो मिक्सचर है इसको आप फोल्ड करते हुए लिक्विड में मिक्स करते रहिए। ये पूरा ही चॉकलेट कलर का एक आपका बैटर सा तैयार हो जाएगा। स्पून से धीमे धीमे इसको मिक्स करें जिससे लम्स ना रहे इसके अंदर और ये एक स्मूथ सा बैटर हमारा तैयार हो जाए। उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें मिक्स करेंगे। ये करीब करीब हमारा मिक्स हो गया है, सारा ड्राई मिक्सचर में हमने लिक्विड सारा मिक्स कर दिया है। इसके बाद हमने जो कर्ड ली थी उसको हम डाल देंगे इसमें और उसको भी स्पून से धीमे धीमे इसको फोल्ड करते हुए मिक्स करेंगे।
कर्ड को भी अच्छे से आप इस लिक्विड में मिक्स कर लीजिए और फिर हमने ये जो एग बीट करके रखे हुए थे उसको भी डाल दीजिए और एक साथ ये सारी चीज़ें आप फोल्ड कर दीजिए। धीमे धीमे इसको मिलाते रहिए। उसके बाद हमने जो 1.5 से 2 चम्मच वेनिला एसेंस लिया था उसको हम इसमें डाल देंगे फ्लेवर के लिए। ये सब डालने के बाद हम अपने इलेक्ट्रिक बीटर से इसको 2 मिनट तक बीट करेंगे। इसको फोल्ड करते हुए अच्छे से बीट करिए जिससे ये इसमें जरा से भी लम्स नहीं रह जाए और ये एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। हैंड बीटर से भी आप कर सकते हैं, उसमें 5 से 6 मिनट तक आप हाथ से बीट कर लीजिए, तब भी सेम ही इफ़ेक्ट आएगा केक का। तो इसको आप अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए 2 मिनट तक। अब हमारा ये जो केक है इसको हमें डिश में डालना है। डिश हम ग्रीस करेंगे। ये हम रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं यहाँ पर, इसको हम आधी आधी चम्मच रिफाइंड ऑयल इसमें डालकर अच्छे से इसको ग्रीस करेंगे। आप बटर से भी ग्रीस कर सकते हैं क्योंकि हमने रिफाइंड और बटर दोनों ही केक में यूज़ करे हैं। तो किसी भी चीज़ से आप चारों तरफ लगा के अच्छे से इसको ग्रीस करिए क्योंकि ये जब अच्छे से ग्रीस होगा तभी हमारा केक अच्छे से निकल पाएगा, नहीं तो केक डिश में चिपक जाएगा। तो ये हमारे दोनों डिश ग्रीस हो गए हैं। अब हम थोड़ा सा ड्राई मैदा लेकर दोनों डिश में हल्का हल्का स्प्रिंकल करेंगे। हल्का सा इसको चारों तरफ स्प्रिंकल कर दीजिए जिससे ये हल्का हल्का रिफाइंड में जो आपने लगाया है उसमें चिपक जाए। ये हमारी दोनों ग्रीस डिशेस तैयार हैं। अब हम अपने बैटर को लेकर हाफ हाफ बैटर दोनों डिशेस में पोर कर देंगे। इसको ऊपर तक नहीं पोर करना है, बिल्कुल हाफ डिश रखिए क्योंकि केक हमारा अभी बेक होने के बाद ऊपर उठ के आएगा, स्पॉन्ज आएगा इसमें। तो दोनों में हाफ मिक्सचर डालिए। अगर आपको आधा केक बनाना है, एक केक बनाना है, तो आप हमारे जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए उसको आधा भी कर सकते हैं। एक केक बनाने के लिए आप सारे इंग्रेडिएंट्स हाफ कर दीजिए। ये हम सारे बैटर को अच्छे से स्क्रेप करके दोनों में डाल देंगे। बहुत ही अच्छा केक बनता है तो इसको ज़रा सा भी वेस्ट ना जाने दें। सारा एक एक स्पून करके इसको अच्छे से स्क्रेप करके दोनों डिशेस में डाल दें। वैसे तो आप 2 केक बनाएंगे तो बेटर रहेगा, एक केक तो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये हमारे दोनों बैटर हमने डिश में डाल दिए हैं। अब हम इसको माइक्रोवेव में बेक करेंगे। माइक्रोवेव में हम इसको 7 से 10 मिनट तक का लगाएंगे। 10 मिनट्स का हम टाइम सेव करेंगे उसमें। ये हमारा माइक्रोवेव में हमने 10 से 11 मिनट सेट कर दिए हैं। अब हम इसको केक के पैन को इसके अंदर रख देंगे और इसको ऑन कर देंगे और 7-8 मिनट के बाद हम देखेंगे। ये हमारे 7 मिनट हो गए हैं। हम अपना केक एक बार चेक कर लेते हैं। कई बार केक जल्दी भी हो जाता है, कई बार 1-2 मिनट लेट होता है। तो 7 मिनट्स के बाद हम इसको चेक कर रहे हैं। हम इसको खोल के इसमें से निकालेंगे माइक्रोवेव में से। थोड़ा सा ध्यान से निकालिएगा, आपका पैन गर्म होगा। साइड से हमारा बेक हो गया है, हम बीच से चेक करेंगे इसको। ये देखिए नाइफ एकदम क्लीन निकल आया है, इसका मतलब ये केक हमारा हो गया है। बीच में नाइफ डाल के ज़रूर चेक करिए। अब इसको हम कूल होने देंगे। अब ये हमने हमारा जो एक केक है ये हो गया है। अब हम दूसरा अपना पैन माइक्रोवेव में लगा रहे हैं। इसको हम 8 मिनट्स पे सेट कर रहे हैं क्योंकि हमारा पहला केक भी 8 मिनट्स में बन गया था। 8 मिनट्स में सेट करके हम इसको केक को बेक होने देंगे और पहला वाला केक हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारे 8 मिनट हो गए हैं। अब हम एक बार चेक करेंगे अपने दूसरे केक को। धीमे से पैन को निकालेंगे माइक्रोवेव में से। साइड्स इसने छोड़ दिए हैं, साइड से इसका मतलब ये हो गया है। बीच में से हम नाइफ डाल के चेक करेंगे, नाइफ एकदम क्लीन निकल आया है, इसका मतलब बीच से भी ये सिक गया है। अगर नाइफ क्लीन नहीं है तो आप इसको दोबारा 1 से 2 मिनट रखें, बेक करें, कई बार लिक्विड बीच में रह जाता है। अब हम इस केक को भी ठंडा होने रख देंगे। दोनों केक हम ठंडे होने देंगे और उसके बाद हम इनको काटेंगे। ये हमारे दोनों केक एकदम ठंडे हो गए हैं। साइड से हम नाइफ डाल के उसको हल्का हल्का धीमे धीमे प्रेस करते हुए स्क्रेप करेंगे जिससे हमारा केक टूटे नहीं। इसमें बहुत ध्यान रखिए, अगर आप ज़्यादा जल्दी करेंगे तो केक के टूटने के चांसेस रहते हैं। चारों साइड से धीमे धीमे कर उसको स्क्रेप करके हाथ का सपोर्ट दे के हल्के से उसको आप
निकालेंगे। ये देखिए इतना अच्छा स्पॉन्ज और सॉफ्ट केक बना है ये। अभी हमें काटना नहीं है क्योंकि ये हल्का सा गर्म है अभी अंदर से भी, इसको ठंडा होने दीजिए। इतने हम दूसरा केक भी अपना निकाल लेंगे। दूसरे केक को भी हम साइड से धीमे धीमे स्क्रेप करेंगे और हल्का हल्का इसको साइड से अंदर की तरफ पुश करते हुए, धीमे धीमे ऐसे पुश करते हुए इसको हम पैन में से निकालेंगे। इसमें भी हल्का सा आप हाथ का सपोर्ट दीजिए और धीमे से उसको पलटिए। जल्दीबाजी नहीं करिएगा नहीं तो केक बीच से टूट जाएगा। ये बहुत ही अच्छा स्पॉन्ज केक निकल के आया है। अंदर से अभी ये थोड़ा सा गर्म है। इस दोनों केक को हम अभी थोड़ी देर और ठंडा होने देंगे, 15 से 20 मिनट, उसके बाद हम इसको काटेंगे। केक को कूल होने दीजिए। अब ये केक हमारे कूल हो गए हैं। इसको नाइफ से आप किसी भी शेप में काट सकते हैं जो आपको पसंद है। केक को काट के आप प्लेट में सजाइए या अपने किसी बॉक्स में भर के आप फ्रिज में रख दीजिए। ये केक आपका करीब 4 से 5 दिन भी चल जाएगा। इसको ठंडा होने पे खाने पे इसका मज़ा ही और है। बहुत ही सॉफ्ट और एकदम बहुत ही सुंदर कलर का ये चॉकलेट केक बना हुआ है। ये देखिए कितने सुंदर से पीसेस आ रहे हैं इसके। बहुत सॉफ्ट केक है इसलिए ध्यान से काटिएगा इसको धीमे धीमे। ये हमारा केक एकदम तैयार है। अब हम इसको काट के रेफ्रिजरेट कर लेंगे और खाएंगे। का आप इसमें ज़रूर ध्यान रखें कि हमने इसको माइक्रोवेव वाली सेटिंग पे ही 7 to 8 मिनट्स में बनाया है। हमने इसमें कोई केक की सेटिंग नहीं ली है। जो आपकी नॉर्मल माइक्रोवेव की सेटिंग है उसमें आप अपने माइक्रोवेव को 8 मिनट्स पे सेट कर दीजिए और उस पर इसको बेक करिए।